Hello friends, in this lecture we will discuss about fluid mechanics from question number 31 to 40. Let's see question number 31. Question number 31 में पूछा गया है, ये जो फिगर दिया गया है अपना, ये question number 29 का फिगर है. तो इसमें पूछा गया है कि इस कर्व में, ये जो कर्व दिए गए हैं हमारे A, B, C, D, तो इनमें से न्यूटोनियन फ्लूड का कर्व कौन सा है? तो न्यूटोनियन फ्लूड का कर्व अपन देख चुके हैं दोस्तों, क्या है ये हो जाएगा, जिसमें क्या होती है स्ट्रेस. न्यूटोनियन फ्लूड क्या होते हैं, वो फ्लूड जो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी का पालन करते हैं. तो जिस न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी क्या होता है, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ग्रेडियंट. जैसे जैसे अपन स्ट्रेस को बढ़ाते जाएंगे, वेलोसिटी ग्रेडियंट भी अपना बढ़ता जाता है. ठीक है दोस्तों, तो इसके लिए हमारा जो न्यूटोनियन फ्लूड के लिए जो कर्व रहता है वो क्या होगा, ये वाला कर्व. तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 31 का बी, 31 का हो जाएगा बी. अब देखते हैं 32 क्वेश्चन नंबर 32 में पूछा गया है, नॉन न्यूटोनियन फ्लूड के लिए कर्व कौन सा होगा. ठीक है दोस्तों, तो ये अपन देख चुके हैं, ये वाला जो होता है डी वाला किसके लिए, आइडियल सॉलिड के लिए है, ये आइडियल प्लास्टिक के लिए रहता है न्यूटोनियन. और ये वाला जो सी कर्व है वो किसके लिए हो जाएगा, नॉन न्यूटोनियन फ्लूड. और नॉन न्यूटोनियन फ्लूड अपन देख चुके हैं कैसे, कौन से होते हैं, टाइम डिपेंडेंट होते हैं और टाइम इंडिपेंडेंट होते हैं. न्यूटोनियन फ्लूड जो नॉन न्यूटोनियन फ्लूड होते हैं वो क्या करते हैं, एक पावर लॉ होता है उसका पालन करते हैं. और ये न्यूटोनियन फ्लूड न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी का पालन करते हैं. ठीक है दोस्तों, ये अपन देख चुके हैं लास्ट लेक्चर में. अगर जिन लोगों ने लास्ट लेक्चर नहीं देखा है तो वो मैक लर्निंग पॉइंट पर जाकर उसे देख सकते हैं, जिससे आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ सकती हैं. अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33. क्वेश्चन नंबर 33 में पूछा गया है, फ्लूड इन इक्विलिब्रियम कांट सस्टेन. इक्विलिब्रियम की कंडीशन में फ्लूड किस स्ट्रेस को सस्टेन नहीं कर सकता है, टेंसाइल स्ट्रेस, कंप्रेसिव स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस या बेंडिंग स्ट्रेस या सभी. ठीक है, तो टेंसाइल स्ट्रेस के बारे में हमने किस में देखा था, कोहेजन फोर्स में देखा था. कोहेजन फोर्स में क्या होता है, कोहेजन फोर्स के कारण क्या होता है, जो लिक्विड्स होते हैं वो स्मॉल अमाउंट ऑफ टेंसाइल स्ट्रेस को क्या कर सकते हैं, रजिस्ट कर लेते हैं. ठीक है, कोहेजन फोर्स क्या होता है, सिमिलर मॉलिक्यूल्स के बीच में जो म्यूचुअल अट्रैक्शन फोर्स होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, कोहेजन फोर्स बोलते हैं. ठीक है दोस्तों, तो इसके कारण हमारी ये टेंसाइल स्ट्रेस को रजिस्ट कर लेते हैं लिक्विड. और कंप्रेसिव स्ट्रेस, तो फ्लूड हमारा क्या रहता है, इनकम्प्रेसिबल रहता है. अब देखते हैं शियर स्ट्रेस, तो ये हमने फ्लूड की डेफिनेशन में पढ़ा है कि जैसे ही हम फ्लूड के ऊपर क्या लगाते हैं, थोड़ा सा भी स्मॉल अमाउंट में भी शियर स्ट्रेस लगाते हैं तो फ्लूड क्या करता है, सस्टेन नहीं कर पाता है उसको. ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 33 का, ऑप्शन नंबर सी, 33 का हो जाएगा सी. अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34. द विस्कोसिटी ऑफ वाटर इन कंपैरिजन टू मरकरी. मरकरी के कंपैरिजन में वाटर की जो विस्कोसिटी होती है वो कितनी होती है, ज़्यादा होती है, लोअर होती है, सेम होती है, हायर लोअर डिपेंडिंग ऑन टेम्परेचर, अनप्रिडिक्टेबल. तो देखते हैं इनकी वैल्यू हमारे पास है इसकी. ठीक है दोस्तों, इनकी वैल्यू हमारे पास है, देख लेते हैं. ये मरकरी के लिए है, ये वाली वैल्यू, इधर वाली जो वैल्यू है मरकरी के लिए है, और ये वाटर के लिए है. देखते हैं अपन किसी पे भी, ये 20 डिग्री सेल्सियस पे देखते हैं, 20 डिग्री पे सेल्सियस पे ये वाटर मरकरी की कितनी है, 1.5552, और इसके लिए कितनी है, 1.0016. ठीक है, और 25 पे देखो तो ये कम है, ये अपनी मरकरी की क्या है, ज़्यादा. तो ऐसे ही हर एक टेम्परेचर पर अगर अपन देखते हैं वाटर के लिए क्या है, कम है, और मरकरी के लिए क्या है, ज़्यादा है विस्कोसिटी. ठीक है दोस्तों, तो इससे हमें देख सकते हैं कि ये क्या है, इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, हमारा लोअर हो जाएगा. विस्कोसिटी ऑफ वाटर इन कंपेरिजन टू मरकरी इज लोअर, ऑप्शन नंबर बी. अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35. क्वेश्चन नंबर 35 में पूछा गया, द बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी विद इंक्रीज इन प्रेशर. तो जो बल्क मॉडुलस होता है, प्रेशर के इंक्रीज करने के साथ क्या इफेक्ट पड़ता है बल्क मॉडुलस पर. तो बल्क मॉडुलस अपन देख चुके क्या होता है दोस्तों, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेंथ. ठीक है, तो यहाँ से देखिए के इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा, या फिर यहाँ पर क्या आता है, प्रेशर अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेंथ या डायरेक्ट स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेंथ, दोनों रहता है. तो यहाँ पे प्रेशर अपॉन क्या, और डी पी चेंज इन प्रेशर, चेंज इन प्रेशर अपॉन माइनस डी बी ओवर बी. ये डी बी ओवर बी क्या हो गया, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन हो गया. के इक्वल टू क्या गया, बी डी पी अपॉन डी बी. तो ये प्रेशर जैसे जैसे अपन इंक्रीज करेंगे तो बल्क मॉडुलस भी हमारा क्या करेगा,
इंक्रीज करेगा। ठीक है दोस्तों, और इसको अपन डेंसिटी के टर्म्स में भी लिखते हैं। डेंसिटी के टर्म में अपन निकालें तो क्या हो जाएगा, मास इक्वल टू क्या होता है, रो इंटू भी होता है। तो अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करें, ये क्या हो जाएगा, रो डी वी प्लस में वी डी रो इक्वल टू 0। तो रो डी वी इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस वी डी रो। तो डी वी अपॉन वी के इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस का डी रो अपॉन रो। तो यहाँ पे अपन वैल्यू पुट कर देंगे इसकी, तो के इक्वल टू क्या आ जाएगा, रो इंटू डी पी अपॉन डी रो। तो ये भी रहता है अपना, और अपना क्या रहता है, डी पी अपॉन माइनस डी वी अपॉन वी, ये भी रहता है। ठीक है दोस्तों, तो डेंसिटी पे भी डिपेंड करता है। तो जैसे ही अपन बल्क मॉडुलस इंक्रीज वो प्रेशर को इंक्रीज करेंगे, तो प्रेशर को इंक्रीज करने से जो बल्क मॉडुलस भी हमारा क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 में क्या पूछा, द बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो इसका तो अपन ने अभी देख लिया, इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन प्रेशर। 36 का भी क्या हो जाएगा, बी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 में पूछा है, द ए बैलून लिफ्टिंग इन एयर फॉलोज द फॉलोइंग प्रिंसिपल। जब बॉल एक बैलून होता है, वो क्या करता है, लिफ्ट करता है एयर में ऊपर की ओर, तो उस पर कौन कौन से प्रिंसिपल्स, वो उस समय कौन कौन से प्रिंसिपल्स को फॉलो करता है। ठीक है, तो ये लॉ ऑफ ग्रेविटेशन अपन सभी जानते हैं, ये देख लेते हैं अपन। आर्कमिडीज प्रिंसिपल और प्रिंसिपल ऑफ बोयेंसी। आर्कमिडीज प्रिंसिपल क्या होता है देखते हैं, बोयेंसी फोर्स क्या होता है, बोयेंसी इज द फोर्स दैट इनेबल बोट्स एंड बीच बॉल्स टू फ्लोट ऑन वाटर। द टर्म बोयेंट फोर्स रेफर टू द अपवर्ड डायरेक्टेड फोर्स। जो बोयेंसी फोर्स होता है वो कौन सा होता है, अपवर्ड ऊपर की ओर जो लगने वाला फोर्स होता है, जब कोई बॉडी क्या होती है, पार्शियली और कंप्लीटली इमर्स्ड इन अ फ्लूड। जब कोई बॉडी फ्लूड के अंदर क्या है, पार्शियली या कंप्लीटली इमर्स्ड है, तो उस समय उसके ऊपर क्या लगता है, एक अपवर्ड फोर्स लगता है। ये हमारी क्या है, मान लो ये यहाँ तक लिक्विड भरा हुआ, इसके अंदर मैंने एक बॉडी को डाला, तो ये क्या करेगी, उस वाटर को डिस्प्लेस कर देती है। ठीक है, और यहाँ से ऊपर की ओर क्या लगता है, एक फोर्स लगता है। तो ये क्या होता है, फोर्स ऑफ बोयेंसी, एफ वी, बोयेंसी फोर्स लगता है ऊपर की ओर, जो ऊपर उसको क्या करता है, ऊपर की ओर धकेलता है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा क्या कहलाता है, बोयेंटी फोर्स। तो ये क्या करेगा, ऊपर की ओर लगता है, ऊपर की डायरेक्शन। इसी के कारण क्या होता है, जो बोट्स होती हैं वो क्या करती हैं, या बीच बॉल जो होती हैं वो फ्लोट करती हैं, किसके ऊपर, वाटर के ऊपर फ्लोट करने लगती हैं। ठीक है दोस्तों, आर्कमिडीज प्रिंसिपल क्या होता है, ये द आर्कमिडीज प्रिंसिपल स्टेट दैट द बोयेंट फोर्स, बॉयंट फोर्स एग्जर्टेड ऑन द ऑब्जेक्ट दैट इज सबमर्ज्ड पार्शियली और कंप्लीटली। ठीक है, तो ये आर्कमिडीज प्रिंसिपल, जब वो बोयेंट फोर्स अपन ने पढ़ा, जब किसी बॉडी, जब कोई बॉडी हमारी क्या होती है, वाटर में कंप्लीटली या पार्शियली सबमर्ज्ड होती है, तो उसके ऊपर क्या लगता है, बोयेंट फोर्स एग्जर्ट करता है, बोयेंट फोर्स लगता है उसके ऊपर। तो बोयेंट फोर्स लगने के कारण जो क्या कहते हैं, जितना बॉडी का वेट है, उस बॉडी के वेट के बराबर फ्लूड हमारा क्या करेगा, डिस्प्लेस हो जाता है। अभी अपन ने देखा था, जैसे ये हमारी क्या है, कंटेनर है, इसके अंदर हमने बॉडी को डाला है, ये इतना फ्लूड भरा हुआ है इस लेवल तक, तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम क्या होगा, इतना हो जाएगा, इतना वाला क्या हो जाएगा, वॉल्यूम डिस्प्लेस होगा किसका, वाटर का। तो ये किसके बराबर होगा, फिर आर्कमिडीज प्रिंसिपल के अनुसार क्या होता है, द फ्लूड इज इक्वल टू द वेट ऑफ द फ्लूड दैट इज डिस्प्लेस्ड बाई द ऑब्जेक्ट। जो फोर्स लग रहा है, बोयंट फोर्स, वो किसके बराबर होता है, वेट ऑफ द फ्लूड डिस्प्लेस्ड। ठीक है, जितना फ्लूड डिस्प्लेस्ड होगा उतना ही क्या होगा, हमारा बोयंट फोर्स होगा। तो ये हमारा आर्कमिडीज प्रिंसिपल होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, क्वेश्चन नंबर 37 का हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। क्वेश्चन नंबर 38 का क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 में पूछा गया है, द वैल्यू ऑफ कॉफिशियंट ऑफ, द वैल्यू ऑफ कॉफिशियंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी फॉर वाटर एट ऑर्डिनरी प्रेशर एंड टेम्परेचर इन किलोग्राम
पर सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू, तो ये दोस्तों याद रख लेना, कॉपिशियंट ऑफ कंप्रेसिव जो कंप्रेसिबिलिटी होता है किसके लिए, वाटर के लिए, वो कितना होता है 21,000, ये याद रखना, ऑप्शन नंबर ई हमारा आंसर है। तो 38 का आंसर आप याद रख लेना, कॉफिशियंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी कितना होता है 21,000। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 में पूछा गया, द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर रिजल्ट्स इन, टेम्परेचर इंक्रीज करने के साथ साथ क्या होता है, इंक्रीज इन विस्कोसिटी ऑफ गैस, गैसेज की जो विस्कोसिटी होती है वो क्या करती है, इंक्रीज करती है, या इंक्रीज इन विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड, लिक्विड्स की इंक्रीज करती है, या डिक्रीज इन विस्कोसिटी ऑफ गैस। तो अपन ये देख लेते हैं टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है विस्कोसिटी पर, ठीक है दोस्तों। तो इन केस ऑफ लिक्विड, लिक्विड्स के केसेज में क्या होता है, इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस इज स्मॉल, जो इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस होती है मॉलिक्यूल्स के बीच में वो क्या होती है, बहुत कम होती है, जिसके कारण कोहेसिव फोर्स क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है दोस्तों। तो जैसे ही हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो कोहेसिव फोर्स क्या करने लगता है, डिक्रीज करने लगता है, तो डिक्रीज करने लगता है जिसके कारण क्या होगा, जो रेजिस्टेंस टू फ्लो है, रेजिस्टेंस टू फ्लो क्या होगा, डिक्रीज करेगा, जैसे ही रेजिस्टेंस टू फ्लो क्या होगा, डिक्रीज होगा, तो लिक्विड्स की जो विस्कोसिटी है वो क्या करने लगेगी, डिक्रीज करने लगेगी, क्योंकि विस्कोसिटी का डायरेक्ट मतलब क्या होता है हमारा, रेजिस्टेंस टू फ्लो, जब रेजिस्टेंस टू फ्लो क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, तो विस्कोसिटी भी हमारी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। लेकिन गैसेस के केस में क्या होता है, कोहेसिव फोर्स नेग्लिजिबल होता है इन इस केस में, जिसके कारण जब अपन टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो मॉलिकुलर डिस्टेंस क्या करती है, इंक्रीज करने लगती है, ठीक है, मॉलिकुलर डिस्टेंस क्या करने लगती है, इंक्रीज, हैंस रेजिस्टेंस टू फ्लो ऑल्सो इंक्रीज है, जो रेजिस्टेंस टू फ्लो है वो भी क्या करने लगता है, इंक्रीज करने लगता है, ठीक है दोस्तों। तो इसके कारण जब रेजिस्टेंस टू फ्लो क्या है, इंक्रीज करेगा, तो विस्कोसिटी भी हमारी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, जिस इसी कारण से हमारी गैसेस के अंदर क्या होती है, विस्कोसिटी इंक्रीज होती है। तो ये ग्राफ भी अपन देख लेते हैं, ग्राफ दिया गया है विस्कोसिटी और टेम्परेचर के बीच में, लिक्विड्स की क्या कर रही है, डिक्रीज है, और गैसेज की क्या हो रही है, इंक्रीज कर रही है, ठीक है दोस्तों। ये हमारा एम्पेरिकल फॉर्मूला रहता है गैसेज के लिए, म्यू इक्वल टू बी इंटू अंडर रूट में टी अपॉन में 1 + s / t। तो यहाँ पे बी और एस जो है वो हमारे क्या हैं, कॉफिशियंट्स हैं। तो ये एम्पेरिकल फार्मूला कभी पूछ लिया जाता है एग्जाम में तो अपने को पता होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो अब देखते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा 39 का। गैसेज की क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है, इंक्रीजेज विस्कोसिटी ऑफ गैस, एंड और जो लिक्विड्स हैं उनकी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी, डिक्रीज इन विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड। तो हमारा ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा करेक्ट, A and D above, 39 का हो जाएगा ई। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 में पूछा गया है, सरफेस टेंशन हैज द यूनिट्स ऑफ, सरफेस टेंशन की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, देख लेते हैं। सरफेस टेंशन अपन देख चुके हैं, सरफेस टेंशन की जो यूनिट होती है वो क्या होती है हमारी, सिग्मा एस इक्वल टू फोर्स अपॉन एच न्यूटन पर मीटर। तो इसको अपन अगर डेल एल से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये क्या कहलाती है, सरफेस एनर्जी हो जाती है हमारी, एनर्जी पर यूनिट एरिया, ये हमारी वर्क डन है या एनर्जी है अपॉन में एरिया, तो इसको हम एनर्जी पर यूनिट एरिया भी बोलते हैं सरफेस टेंशन को। तो वर्क डन की क्या होगी, जूल अपॉन में मीटर स्क्वायर एरिया की, तो इसकी एक यूनिट जूल पर मीटर स्क्वायर भी होती है और ये भी होती है न्यूटन पर मीटर। तो ऑप्शन में क्या दिया गया है हम देख लेते हैं, ऑप्शन में दिया गया है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर। तो हमारा 40 का आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 40 का हो जाएगा सी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं, जिससे मैं उस पर वर्क करूं और उसे इम्प्रूव कर सकूं। और इसी प्रकार इस चैनल को देखते रहिए। थैंक यू।